हूँ। यहाँ पे देखिए हवा भी निकल गई इसका, हवा इसलिए निकला क्योंकि भालपिन का जो ट्यूब होता है ना वो कट गया था पास में। ये भाई बोल रहे मेरे घर पे चलिए, हम मना कीजिए नहीं भाई लेट हो जाएगा, फिर भी बोले नहीं कम से कम 10 मिनट के लिए चलिए। बहुत ही अच्छा लगा, तो चलते हैं यहाँ से। अभी शाम के 6:18 हो रहा है और अभी मैं जंगल में ही फंसा हूँ, वहाँ पे जाते हैं। और भाई साहब जंगल में जो फंसे थे हर हर महादेव, जय सिया राम आप सभी को, कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को भारत के इस चारधाम यात्रा में नई नई जगहों पे मेरे साथ। तो आज है 25 जनवरी 2023 और अभी सुबह का समय 9:16 हो रहा है। बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं रात में 3 सोया था, ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके सारा कुछ थंबनेल वगैरह सब बना करके 3 में सोया था, इसलिए लेट हो गया, क्या करें। तो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रुके हुए थे, ये ब्रो भी था रात में, हेलो गुड मॉर्निंग ये भाई सभी थे, बहुत ही अच्छा लगा मतलब मिलकर, क्या बताएं। और ये साइड में यहाँ पे रूम था, यहाँ पे सोए हुए थे, ये रूम है, यहाँ पे मस्त सोए हुए थे। और ये फ्यूल का नाम है जयालक्ष्मी फ्यूल्स, देख रहे हैं ना जयालक्ष्मी फ्यूल्स। ये भाई भी मतलब नाइट में ड्यूटी किए थे, नाइट से ड्यूटी कर रहे हैं ब्रो, हेलो और पूरा मतलब ये 24/7 है, यानी कि हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से मस्त, बहुत ही मज़ा आया भाई साहब के साथ में। तो निकलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं आज कहाँ का स्टे रहता है, अगर पहाड़ आएगा तो नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे एक जोग फॉल्स है, जोग फॉल्स भी दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। अगर आज संभव हो पाया पहुँच पाए तो ठीक है, नहीं तो कल पहुँचेंगे जोग फॉल्स के पास में, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से, ये अपना सारथी, निकलते हैं, ठीक है। अभी 11:23 हो रहा है और एक दुकान दिखा था तो यहाँ पे सोचे एक पंप ले लेता हूँ, ठीक है। उनका बोल रहे 350, देखते कितने में रहते हैं। और थोड़ा सा हैंडल भी टाइट करवाया हूँ, तो उतना बड़ा मेरे पास में सिलाई रिंच नहीं था, तो मतलब उतना बड़ा रिंच नहीं था, तो ये नट को टाइट करना पड़ता, ये वाला तो रंच मतलब हैंडल ढीला हो गया था, उसको टाइट करवाए हैं। और ये पंप देख रहे कितना दे देंगे भैया, कम करिए ना थोड़ा एक चीज़ बताऊँ क्या हुआ है, अभी पीछे मैं पंप लिया हूँ, आप सब देखे होंगे जो मैं पंप ले रहा था, तो 330 में दिया है, अच्छा क्वालिटी का है। और 180 में दे रहा था तो वो उतना अच्छा नहीं था, लोकल था, तो ये अच्छा है, चाइनीज में ही बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। तो उससे मतलब आज से पहले पंप नहीं था तो पंचर भी नहीं हुआ था कहीं पे, ठीक है। और अभी मैं मतलब पंप लिया हूँ लेके रखा हूँ, यहाँ पे देखिए हवा भी निकल गई इसका, हवा इसलिए निकला क्योंकि भालपिन का जो ट्यूब होता है ना वो कट गया था, तो अभी मैं दूसरा भालपिन चेंज किया हूँ, अभी हवा भरूंगा इसमें। हाँ ब्रो थैंक यू, सूरज BL ब्लॉग्स, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, बाय बाय, मुंडेश्वर, हाँ ओके बाय। तो अभी एक चेंज किए हैं, वो बोला कहाँ गया, ये रहा देखिए, ये जो है कट गया, ये पूरा निकल गया है, मतलब देखना कितना छोटा हो गया, ये बड़ा रहता है, तो कोई ना एक था एक्स्ट्रा में और आगे दुकान देखेंगे तो ले लेंगे। लेकिन देख रहे हैं ना अभी पंप लिया हूँ तब ये कटा है, ये अभी जस्ट चढ़ा हूँ तो देख रहा हूँ, अरे भाई साहब हवा क्या हो गया इसमें। तो क्या बताएं आप, अभी तक पंप नहीं था तो कुछ भी नहीं हुआ था, पंप लिए तब हुआ है, देख रहे हैं ना भाई साहब, अच्छा क्यों ले लिए, मन जो बोलता है वह करना चाहिए, है ना, अच्छाई के रास्ते में। तो अभी जस्ट ले लिए पंप और हवा भरते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, कितना बार पंचर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन था पंप, तो पंप तो भूल गए थे ऊटी में नहीं कुल्लूर में भूल गए थे दुकान में सोए हुए थे वहीं पे छोड़ के आ गए, तो कोई ना। तो अभी 12:08 हो रहा है और अभी मैं हूँ शिमोगा का जू एंड सफारी है, ये लाइन सफारी है। और यहाँ पे देखिए कितने भाई लोग मिले हैं, हेलो ये भाई सब मिले हैं, रुका है यहाँ पे। और ये भाई मतलब नारियल पिलाए थे पीछे में, नारियल पानी, तो अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रो। तो कैसा लगा साइकिल देख करके मेरा, अच्छा लगा तो आप सब मिलते रहते हैं तो एनर्जी आती है, अच्छा लगता है जो रात। तो अभी 1 और आप सब देख रहे हैं जो मैं पैदल चल रहा हूँ, पैदल इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये है भाई पुनीत, हेलो। तो ये मतलब यहाँ पे बैठे हुए थे इनकी दुकान के पास में, ये भाई बोल रहे मेरे घर पे चलिए, हम मना कीजिए नहीं भाई लेट हो जाएगा, फिर भी बोले नहीं कम से कम 10 मिनट के लिए चलिए। तो अभी जा रहा हूँ इन्हीं के घर पे, पुनीत भाई के घर पे, और
ये रहा अपना सारथी, पैदल पैदल ही जा रहे हैं। क्या पुनीत भाई, हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो ये देखिए ऐसे रास्ता है, आराम से जा रहा हूँ। अभी कितना दूर है? इधर ही से। अच्छा 100 मीटर। तो अभी चलते हैं सारथी लेकर के। एक पाइनएप्पल दिए हैं, वो बैग में रखा हुआ है। इंग्लिश ब्रो? हाँ। इंग्लिश पूरा? नहीं 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 है, थोड़ा थोड़ा मेरे जैसे। मेरे को भी सेम ऐसे ही आता है। ठीक है चलते हैं भाई के घर पे, फिर वहाँ से निकलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये सुपारी है ना? हाँ। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं पूरा सुपारी है, और भाई का ही है, पुनीत भाई का। और सामने में जो दिख रहा है ये है घर, पुनीत भाई का घर, जो कि ये घर सब बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मस्त। ये है घर देख रहे हैं ना, और ये पूरा सुपारी का बगान है पूरा। अभी सुपारी हुआ नहीं है ना ब्रो? हुआ हुआ है। अच्छा भाई साहब, अंकल सब है, कौन कौन सब है। अभी सुपारी कहाँ है दिख रहा है? ओहो ये हाँ। यहाँ पे सुपारी, ये देखें इतना बड़ा बड़ा भाई साहब, बहुत है। रोग आके तो भाई के घर पे आए थे, खाना खाए, भाई खाना खिलाए, तो अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच। अभी निकल रहे यहाँ से, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर के सबसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलते हैं यहाँ से बस। अभी पुनीत भाई के घर से बहुत आगे आ गया हूँ, और यहाँ पे एक आइसक्रीम वाले भैया थे, उनसे 2 आइसक्रीम लिया हूँ। मस्त लग रहा है भाई साहब, 10-10 रुपये में दिए हैं। खा लेता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो पूरा गिर रहा है ना। आ गए पुनीत भाई के घर से, बहुत ही अच्छा लगा उनके घर पर, खाना भी खाए। और बोले थे रुकने के लिए, आज उनके घर पे कोई फंक्शन था, उनके घर पे नहीं, आज यहाँ पे कोई मतलब त्यौहार है, यहाँ पे कर्नाटका में आज कोई त्यौहार है, तो यानी कि फेस्टिवल है कोई आज। बोले थे रुकने के लिए, हम बोले नहीं भाई हमको लेट हो जाएगा, तो बोले ठीक है। और भाई साहब सुपारी का जो बगान देखे ना, हालत ख़राब हो गई, इतना बड़ा बड़ा सुपारी था उसमें भाई साहब। ठीक है चलते हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर में है ये सागर करके एक जगह है, सागरा, तो वहाँ पे पहुँचते हैं या तालगुप्पा जाते हैं, देखते हैं। जॉग फॉल्स तो यहाँ से 80-85 ही दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज, है ना, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन फिर बहुत ज़्यादा चढ़ाई, तो जिसके वजह से शायद अभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा। देख रहे हैं ना पूरा चढ़ाई है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई सब आता है। चलते हैं आइसक्रीम तो खा लिए, निकलते हैं यहाँ से। तो अभी पूरा 4 बज रहा है, और यहाँ से आनंदपुर है 14 किलोमीटर, उससे पहले ये जंगल देखिए भाई साहब, खतरनाक जंगल है। ऐसा बात नहीं है जंगल नहीं है, बहुत खतरनाक है इस साइड में, बहुत मतलब पूरा अभी पहाड़ पे हूँ मैं, पूरा पहाड़ पे। देख रहे ना अभी टूरिस्ट लोग तो बस रुका करके आराम से मस्त घूम रहे हैं पीछे में। तो ठीक है चलते हैं, अभी शाम के 6:18 हो रहा है, और अभी मैं जंगल में ही फंसा हूँ भाई साहब। चढ़ाते चढ़ाते हालत ख़राब हो गई है, पीछे में देखें ना कितना डाउन है, यानी कि डाउन नहीं है चढ़ाई है, पूरा चढ़ाई किया हूँ, पूरा चढ़ाई भाई साहब। यहाँ आकर के डाउन मिला है, यहाँ से नीचे उतरूँगा, हालत ख़राब हो रखा है। और आगे में एक सागरा करके जगह है, यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो उस सागरा में रुकूँगा, सागरा में रुक करके कल होगा तो कल निकलूँगा सागर मतलब जोग फॉल्स के लिए। ठीक है कल निकलूँगा यहाँ से। ये रहा अपना सारथी, और प्यास बहुत ज़ोरों से लगी है, तो पानी पीता हूँ उसके बाद में निकलूँगा। तो अभी रात के 7:19 हो रहा है, और अभी मैं सागरा पहुँच गया हूँ, और आगे में दो मतलब एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे भी है एक इंडियन ऑयल, लेकिन ये बन ही रहा है देख रहे ना, अभी नया नया है, अभी काम चल ही रहा है इसमें, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे। पीछे में भी था एक SR का, तो वहाँ पे भी नहीं रुकेंगे। आगे में है यहाँ से 3 किलोमीटर में रिलायंस का जो 24 घंटा खुला रहता है, वहाँ पे जाते हैं। और भाई साहब जंगल में जो फंसे थे तो एकदम मस्त मतलब रुकते हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप पे, फिर आप सभी से बात करते हैं। ठीक है यहाँ पे नहीं बताएंगे, अच्छे से बात नहीं होगा, जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे बताएंगे जी क्या हालत हुआ था मेरा। ठीक है तो अभी रात के 8:26 हो रहा है, और जगह मिल गया, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है SP का, यहाँ पे बात किया हूँ, तो बोले हैं 10 बजे के बाद आने के लिए, 10 बजे के बाद में आने के लिए। तो अभी मैं इधर उधर घूम रहा था, तो इस वक्त में एक भाई मिले यहाँ पे दुकान पे हूँ, तो भाई कुछ बोलेंगे कैसा लगा देख के? नहीं लगा हो गया हमें तो। अरे चौंकने में रे काट लग गया, तू कैसा रे बढ़िया सी, इधर मजा कर रहे हैं, हमें यहां से वहां जाने को दुस हो जाता है, ऐसे सुबह बजे में बस में बैठ बस क्या होता है अंकल जा नहीं सकते दर्द आ जाता है दर्द बस में। हमने पहले इधर से साइकिल मारते थे, साइकिल मार ले इधर कोरचादरी से भी जाते, इधर कोरचादरी कोल्लूर अच्छा भी जाते थे, अब होता नहीं। तो ब्रो
आराम से जाओ। बहुत हैरान हो गया मैं तो। जाने थैंक यू सो मच अंकल। तो अभी आ गया हूँ खाना खाने के लिए, देख सकते हैं क्या सब है खाना में। अभी तो ये है 60 रुपया का। तो अभी रात के 10:02 हो रहा है और अभी पेट्रोल पंप पे आकर के अपना टेंट लगा दिया यहाँ पे साइड में, देख रहे ना। और ये अपना सारथी, और आज बोर्ड फिर भी मतलब आज और ज़्यादा टूट गया था यहाँ पे, मतलब पूरा ये निकल गया था। उसको फिर से वाशर दे करके टाइट किया हूँ, क्या बताएं पूरा ऐसे झुक गया था पूरा, ठीक क्यों। और अभी दुकान पे दो भाई से मिलाए हुए थे ना, वहाँ पे अंकल भी थे, तो वो भाई दो नारियल दे के चला गया है भाई, तो पी लेना। और ये पंप है देख रहे ना, ये पंप लिया हूँ, बहुत ही अच्छा पंप है। और ये रहा दो नारियल, भाई दे के गया है, मैंने क्या बताए। तो अब यहीं पर मस्त अपना टेंट लगा दिया यहाँ पर। और आप सभी को बता रहे थे ना जो ये के बारे में, जो जंगल में क्या हुआ था, भाई साहब मस्त अपना चलाते हुए आ रहे थे, सारथी चलाते हुए आ रहे थे, मस्त एकदम मज़े में आ रहे थे। रात भी हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन मैं दूसरों के लाइट के सहारे आ रहा था। अपने में लाइट तो है नहीं, लेकिन लाइट लेना पड़ेगा, ठीक है लाइट ले लेंगे, आगे चलते हैं जाते हैं चलते जाते हैं कहीं पर ले लेंगे। तो आप सभी को बता रहे थे ना जो मतलब हालत ख़राब हो गई थी, आराम से मस्ती में आ रहे थे। एक जगह पर देखे बाघ का निशान बना हुआ है भाई साहब, तभी से मेरा हालत हो गया ख़राब। चौराहों पे भी 20 का स्पीड 22 का स्पीड में रहता था मेरा सारथी, यानी कि जहाँ पे चढ़ाना है वहाँ पे भी स्पीड बम का आगे रखे रहते थे, पता भी नहीं चलता था। ओह हालत ख़राब हो गया था आज तो, क्या भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बम का ही जा रहे थे। तो वहाँ से 8 किलोमीटर था ये सागरा नाम है इसका जगह का नाम सागरा, तो 8 किलोमीटर था वहाँ से, और पूरा जंगल ही जंगल है भाई साहब, हालत ख़राब हो गया था। बट कैसे भी करके आए और मस्त यहाँ पे अपना लगा दिए टेंट, और जाकर के अपना ब्लॉग सब एडिट करते हैं, एडिट करके अपलोड करके थंबनेल लगा कर टाइटल वगैरह से सारा कुछ मारते हैं, ठीक है। तो आज का ब्लॉग में यही सब था, बहुत ही अच्छा लगा। कल भी जहाँ पे रुके हुए थे मैंने सिमगा में, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मिले थे संदीप भैया और उनके जितने भी दोस्त सब थे, सबसे मिल करके अच्छा लगा था। और जब हम आज सुबह में निकले उस पेट्रोल पंप से, तो शिवम मतलब संदीप भैया नहीं थे, वो लेट से आते हैं शायद 10-11 बजे आते हैं ऐसा ही कुछ, तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिल करके। और उन्होंने एक बोले एक मंदिर है जॉग फॉल्स के बाद में एक मंदिर है, तो वहाँ पे विजिट करने के लिए, बहुत ही अच्छे मंदिर है, मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो वहाँ पे विजिट कर लेने के लिए। तो ठीक है कल जाते हैं, देखते हैं विजिट करते हैं कैसा रहता है नहीं रहता है, एक्सपीरियंस आप सभी को बताएंगे। और कल यहाँ से जॉग फॉल्स के लिए निकलूँगा, जॉग फॉल्स यहाँ से 30-35 किलोमीटर है यहाँ से जॉग फॉल्स, तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता नहीं रहता। तो ठीक है आज का ब्लॉग में यही सब था, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रोजाना ब्लॉग देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय बिहार जय मिथिला जय मैथिली, धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए, बाय।